नमस्कार आदाब। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और आज सातवां रोज है। इस रमज़ान महीने के अंदर भीषण गर्मी के में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से पूरे मुमरा कौसा शहर में एक हाहाकार सा मचा हुआ है और नौबत यहाँ तक का आ गई है कि मस्जिदों में भी वजू करने के लिए पानी नहीं है और ये मस्जिदों से यह ऐलान करना पड़ रहा है कि नमाजी अपने घरों से वजू करके आए। जब इस समय यह हालत है तो आने वाले दिनों में पानी की कमी को लेके क्या परेशानियाँ खड़ी होगी, कितनी बड़ी खड़ी होगी, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं रशीद कंपाउंड में और हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो पानी की जो समस्या उत्पन्न हुई है, इस बारे में उन लोगों का क्या कहना है। आप पहले तो ये बताइए कि आपका नाम क्या है और ये जो इस समय पानी की समस्या जो पूरे शहर में एक विकराल रूप धारण कर चुकी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। मेरा नाम सैयद तबस्सुम है, मैं यहाँ पे कांग्रेस का काम करती हूँ। कैसा है, जब से मार्च चालू हुआ है तब से पानी जुम्मा को कटौती किया है, शटडाउन। लेकिन ये जुम्मा को क्यों होता है? जुम्मा को हमारा नमाज रोज़ा सब रहता है और सब काम जो भी होता है जुम्मा को ही ज़्यादा होता है। पानी की ज़रूरत भी जुम्मा को होती है। जुम्मा के अलावा किसी और दिन होगा तो हमको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। नहीं, ये जो पानी की कटौती इस समय हो रही है, उसकी वजह से महिलाओं को क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है, उस बारे में बताइए। महिलाओं को तो बहुत तकलीफ है क्योंकि आदमी तो अपना काम धाम पे चले जाते हैं, पीने का पानी लोगों ने 3 दिन से खरीद के पिया है और कपड़े धोना करना बर्तन, रमजान का महीना है, कोई काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि पानी नहीं है तो कैसा काम होगा। ना इंसान ने अफतारी का कर पा रहे, ना सहरी का कर पा रहे, नहाने धोने की दिक्कत, नमाज नहीं, कुछ नहीं, बहुत तकलीफ हो गई अपने बारिश नहीं होने से। और फिर उसके अलावा हमारे ना विधायक कुछ काम कर रहे, उसके लिए उनको कुछ तो कदम उठाना चाहिए ठोस कदम के जुम्मा को नहीं होगी किसी और दिन शटडाउन हो। यहाँ के नगर सेवक भी कुछ कर रहे नहीं है। बिल्डिंगों में तो बोलते टैंकर से पानी गया, 10-15 टैंकर में पूरा मुमरा का पानी नहीं भूगा होता है। 10-15 टैंकर कोई मतलब नहीं रखता इतने बड़े शहर में। उसके अलावा चालियों में तो पानी है नहीं, चाली ये तरफ रशीद कंपाउंड में कहीं पे भी हैंडपम्प नहीं है। यहाँ के लोगों को पेट्रोल पम्प जाके पेट्रोल पम्प से पानी लाना पड़ रहा है, दूर दूर से पानी की ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। लोग काफ़ी परेशान है कल से। आप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हर साल जब भी ये गर्मी का महीना आता है, हर साल गर्मी के महीनों में पानी की कमी हो जाती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ क्योंकि जब रमज़ान आता है या बकरीद आती है, ये हमेशा पानी का ये लोग इनके मतलब यही लोचा करते हैं। कभी पानी की पाइप लाइन टूट जाती है और जुम्मा के दिन शटडाउन तो करते हैं, जबकि जुम्मा के दिन करना नहीं चाहिए क्योंकि जुम्मा के दिन नमाज का टाइम रहता है। और दूसरा सैटरडे के दिन बोलेंगे पाइपलाइन टूट जाती, तो ये हमेशा यहाँ का ले आके या ऐसी तरह की तकलीफ क्यों? और भी कल्याण है, थाना है, डोमेवली, उधर ही तकलीफ देते, खाली मुंबई में ही क्यों? क्योंकि ये आपस में मुसलमान लोग को इनके तकलीफ देने का जरिया बना के रखे लोग, बस और कुछ नहीं। हम इतना चाहते हैं कि जुम्मा के दिन जो इनके नमाजी लोग के लिए पानी नहीं रहता, वजू के लिए पानी रहता, उनको इनके पानी की तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं तो आगे हम लोग फिर क्या करना है वो देखते। फिर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पानी की कमी के चलते मुमरा कौसा में जो हाहाकार मचा हुआ, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जुम्मा का दिन हमारा इबादत का दिन रहता है। ये ऑल महाराष्ट्र में सबको बताया कि ये जुम्मा जो होता है मुसलमानों का इबादत का दिन होता है और ये जुम्मा को ही मुमरा में पानी क्यों नहीं आता है और दिन क्यों नहीं लिया जाता है उसके लिए? और जो जुम्मा को पानी नहीं आता है उसमें क्या होता है, किसी के घर में बर्तन है नहीं है तो उसमें लोग क्या करते हैं, कोई नहा लेता है। आदमी लोग को तो ज़रूरी है कि नहा के भेजाना है घर से, बाकी और लोग घर में लेडीज है तो वो इबादत नहीं कर पाती ये चीज़ के लिए। अब बच्चे नहीं इबादत कर सकते क्यों? क्या पानी नहीं, पीने का पानी पैसे से मंगाना पड़ता है। दूसरी बात, और शनिचार को जो पानी आता है वो एकदम पीला पानी आता है, गंदा पानी होता है। आप यही कहना चाहते हैं जो पानी आता है वो भी गंदा होता है? बेशक। तो इसकी शिकायत आपने की है अपने यहाँ के नगर सेवक से या मनपा अधिकारी से? आपकी नहीं, उससे ज्यादा हमारी बात आगे जाती है, बाकी इधर उधर बात करने में बात वही हाँ हाँ कर दे है, हाँ हाँ कर दे, बस अच्छा। यही बात होती है। तो ये कहना है हमारा कि जुम्मा का दिन छोड़ के कोई और दिन रखो और जुम्मा को हमको पानी दो, बाकी क्या आएगा ना क्या, फिर मुसलमान थोड़े ये भी रहते ना दिमाग के गर्म, फिर तकलीफ हो जाती। हमारे साथ और भी कई महिलाएं यहाँ पे खड़ी, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं
कि मतलब ये जो पानी की कमी हो रही है उसकी वजह से उनको किन किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है। हाँ, आपका कुछ आप कहेंगे ये जो पानी की कमी है इस शहर में, मतलब जो इस वक्त मुसलमानों के साथ होता है, सिर्फ यहाँ मुंबई में ज़्यादा पानी की कटौती होती है, और सिर्फ हमारे ही त्यौहार में क्यों पानी काटते हैं, उनके त्यौहार में क्यों नहीं पानी काटा, गणपति हो, दिवाली हो, होली हो, हर त्यौहार में पानी रहता है। हमारे मुसलमान भाइयों के एरिया में इतना पानी की कटौती हो रही है कि बेहिसाब हो रहा है, इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए पब्लिक को। मतलब आपका कहना है कि मुस्लिम बहुल शहर होने की वजह से यहाँ के मुसलमानों के साथ पक्षपात किया जा रहा है, पक्षपात की हाँ बहुत परेशानी हो रही है हम लोग के एरिया में। हाँ। और ये हर जुम्मा शनिचर को पानी काटते हैं, जबकि हमारे नमाज पढ़ने का, इबादत करने का ये है त्यौहार, तो इस वक्त अगर पानी नहीं मिलेगा तो अगर अगर मुमरा कौसा के साथ मनपा पक्षपात कर रही है आपके बोलने के हिसाब से, तो यहाँ के जो नगर सेवक है, यहाँ का जो यहाँ का जो MLA है वो भी NCP का, यहाँ के जो 18 नगर सेवक है वो भी NCP के, तो वो लोग इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? अब उनकी मामला है ना, उनको आवाज उठाना चाहिए। आम पब्लिक को परेशानी हो रही है, आम पब्लिक क्या करेगा, आम पब्लिक तो वोट डालता ही है कि हमको हर मुसीबत से आसानी मिले, हमको हर चीज से आसानी हो, हर काम हमारा आसान हो, लेकिन पब्लिक को तकलीफ से तकलीफ दिया जा रहा है और कुछ नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ पुरुष भी आए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शहर के अंदर जो पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ, आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि मस्जिदों में भी वजू के लिए पानी नहीं है, और मस्जिदों से यह ऐलान करना पड़ रहा है कि नमाजी वजू अपने घरों से करके आए, इस बारे में आपका क्या कहना है? आपने ये मुद्दा उठाया, इसके लिए हम लोग पूरे रशीद कंपाउंड वाले आपके सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मसला है, आपने जो उनसे सवाल पूछा आपा से कि यहाँ के NCP के 18 नगर सेवक और NCP के आमदार होने के बावजूद यहाँ पानी की तकलीफ क्यों है, क्या ये लोग हाउस में ये आवाज़ नहीं उठा सकते? 18 लोग के जुम्मा के दिन ही ये पानी की कटौती क्यों होती है? जुम्मा के दिन सबको पता है कि मुसलमानों का एक बहुत अहम दिन होता है, जिस दिन नमाज पढ़ी जाती है, आदमी कपड़े धोना है, नहाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं उस दिन जुम्मा के दिन करते हैं। मैं ये सोच समझ में आता है मेरे कि ये लोग इस बात को हाउस में क्यों नहीं उठाते। दूसरी बात, अगर जिन लोगों ने आपको लाइन चाहिए, नई बिल्डिंग बनी है या GP हो या ग्राम पंचायत हो या कोई भी बिल्डिंग है, आपको लाइन लेनी है, चोरी की लाइन, आप जाओ नगर सेवक के पास, तुरंत आपको चोरी की लाइन मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए 13,000-12,000 जैसा गिराक वैसी पुड़ी, लेकिन कौन नगर सेवक यहाँ पर पानी के टैंकर अवेलेबल करके देता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लीजिए मेरी बहनों से कितने टैंकर आए इनके एरिया के अंदर, कितने टैंकर आए इनके एरिया के अंदर, कितने परेशान हैं बच्चे लोग, काम पे से आते हैं, ड्यूटी से आते हैं, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं। हैदराबाद, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों 2 दिन की बात है कि जो पानी के लिए जो टैंकर मतलब कुछ BJP और शिवसेना की तरफ से जो थाने से मंगवाया गया था, टैंकर अवेलेबल नहीं था तो प्राइवेट टैंकर मंगवाया गया था, लेकिन यहाँ की जो सत्ताधारी पक्ष है NCP, उन्होंने उन टैंकरों को मतलब शहर में मतलब पानी भेजने से मना कर दिया गया, ऐसी खबरें सामने आई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पानी को लेके भी इस शहर में इतनी घटिया राजनीति हो रही है, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल, ये बात मैं पब्लिक को बताना चाहिए, बात पब्लिक को जानना चाहिए कि 15 से 18 टैंकर आए थे जिनको इन लोगों ने आने नहीं दिया। ये सत्ता इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं कि लोगों को पानी के लिए महरूम कर रहे हैं। मैं ये पब्लिक से बोलूँगा इसके लिए आवाज़ उठाएं, और सबसे पहले जुम्मा के दिन की जो बंदी है उस बंदी को हटाया जाए, इसको दूसरे कोई भी दिन में रखे, शनिचर के दिन रखे, आदमी घर पे होता है, छुट्टी होती है, एक दिन नहीं नहाएगा तो मर नहीं जाएगा वो, लेकिन जुम्मा के दिन मेहरबानी करके इसको हटाए, और पानी की पूर्ति मुमरा के अंदर ज़्यादा आबादी नहीं है, जितनी भी है उसको पानी की पूर्ति यहाँ की पालिका और यहाँ के जो मानीगढ़ पालिका है, स्टैंडिंग कमेटी है, जो भी, इसको दूर करें इसकी। जी बाबू भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये शहर में पानी को लेके जो गंदी राजनीति हो रही है, टैंकरों को नहीं जबरदस्ती मतलब नहीं भेजा, जो टैंकर पानी लाना चाहते उनको नहीं भेजा जा रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब क्या इस बारे में आपका क्या कहना है? 18 नगर सेवक और 1 MLA होने के बावजूद भी ये जो जुम्मा के दिन जो शटडाउन किया जाता है 30 घंटे का, जुमेरात की रात से जुम्मा तक का, इसको क्या ये 18 नगर सेवक और 1 MLA क्या इस दिन को मतलब जुम्मा की बजाय पीर मंगल के दिन नहीं कर सकते? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल कर सकते हैं। पहली बात तो ये रमज़ान का महीना है, और रमज़ान के महीने में इतना शटडाउन हुआ है
शटडाउन के अलावा भी कटौती चल रही है, शटडाउन के अलावा भी कटौती चल रही है। आप लोग जैसा आप लोगों ने बताया कि प्रॉपरली इनको टैंकर्स भी आ रही है तो भी मतलब इनको नहीं मिल पा रहा है। अभी कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन बुला रहा है, कौन कहाँ पर किस जगह पे फंसक रहे हैं, टैंकर पता नहीं चल रहा है। कल परसों का एपिसोड ये हुआ कि रीधा मैडम जो बीजेपी से हैं, माइनॉरिटी से और गिरीश त्रिलोत्री जो शिवसेना से हैं, ये लोगों ने प्राइवेटली कुछ 15 से 18 टैंकर मंगाया उमरा के अंदर, और आने के बाद टैंकर जब आके वहाँ रुका तो एनसीपी के सारे लोगों ने घेर लिया, और इवन आवाज साहब भी आए वहाँ पर, उन्होंने भी बोला कि इन पर पथराव करो। टैंकर वालों जो लाए थे तो मस्जिदों के अंदर, मतलब ये है कि प्रॉपरली मतलब उनको जाना चाहिए मस्जिदों के अंदर, क्योंकि पानी वजू के लिए पानी नहीं था मस्जिदों के अंदर, और वो जो मतलब फुलफिल करने के लिए जब टैंकर आया तो उसको भी रोका जा रहा है। तो कहने का मतलब है तुम्हारा काम ये है कि तुम सबको मतलब फुलफिल करो, तुम्हारा काम है तुम यहाँ के आमदार हो, यहाँ के मतलब नगर सेवक हो, तो तुमको मतलब वो काम करना चाहिए। लेकिन अगर दो तीसरी पार्टी अगर समझो मान लिया तुम्हारा योगदान कर रही है उस काम को, उसके बाद बाबू भाई ये जो जुम्मा के दिन जो पानी का शटडाउन किया जाता है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई मैं तो चाहता हूँ, चलो शटडाउन का अगर मैटर है तो जुमा को छोड़ के जुमा के अलावा कभी दूसरे दिन किया जाए, क्योंकि जुमा के दिन स्पेशली मुसलमानों का एक ऐसा दिन होता है कि मस्जिदों के अंदर मतलब नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, मस्जिदों में नहाना धोना रहता है, जो नहीं नहाता है वो तो बिल्कुल ही नहाता है, हर आदमी को नहाना गुसल करना वाजिब है। तो इसलिए मतलब ये है कि जुमा के अलावा कोई और भी दिन हो तो हमारे को एक्सेप्ट है, कम से कम ऐसा करें। भाई ये जो पानी की समस्या उत्पन्न हुई पूरे मुमरा कौसा शहर में, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो ये बोलूँगा कि जब गड्ढा खोद के टी मार के नगर सेवक को बोल के जोड़ ले तो कहाँ से होएगा, अवैध तरीके से। हाँ अवैध तरीके से, कम से ऊपर लगाम लगनी चाहिए सबसे पहले। एक एक बिल्डिंग है उसमें टाकी नहीं है, सब में सब एक एक नल ले रहे तो कहाँ से होएगा बताइए आप। बिल्कुल बिल्डिंग है टाकी नहीं है, खाली डायरेक्ट नल है डायरेक्ट मोटर है तो कहाँ से होएगा। 5,000 रुपये दे दिया नगर सेवक को, बन गया नल, अच्छा आ गया घर में कनेक्शन। फिर तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार आप यहाँ के जो नगर सेवक है उनको भी मानते हैं? हाँ सही बात है ना। हाँ पूरी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है मोहिन भाई, उनकी पूरी पूरी जिम्मेदारी है। नगर सेवक सिर्फ टी मार के पैसा लेने के अलावा टैंकर अगर गरीबों के घर में पहुँचाए तो आज ये न्यूज़ कवर करने की शायद हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, ऐसा मसला है यहाँ पर। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पे कई लोगों से मिल के जानने की कोशिश की कि इस वक्त जो शहर के अंदर पानी की कमी को लेकर जो पूरे शहर में एक हाहाकार सा मचा हुआ है, और हो सकता है ये आने वाले दिनों में ये और भी विकराल रूप धारण कर सकता है, पानी की जो कमी है उसकी समस्या जो और काफ़ी भयंकर हो सकती है। और यहाँ पे हमने जब यहाँ के लोगों से मिलकर जानने की कोशिश की कि उनको क्या परेशानियाँ होती, तो उन सभी लोगों ने अपने अलग अलग परेशानियाँ बताई। इसमें बहुत से लोगों का ये कहना था कि खासकर ये जो जुम्मा के दिन जो 30 घंटे का पानी का शटडाउन होता है, जुमेरात की रात से शुरू होता है और जुम्मा तक का होता है, उसकी वजह से यहाँ के लोगों को खासकर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जुम्मा का दिन जो होता है एक इबादत का दिन होता है, वैसे भी रमज़ान महीने में मस्जिदों के अंदर नमाजियों की संख्या अधिक बढ़ जाती है, और पानी ना होने की वजह से मस्जिदों में यह आज ये नौबत आ चुकी है कि ऐलान करना पड़ा है कि नमाजी अपने अपने घरों से वजू करके आए। और इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि ये जो टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है उसके लिए भी जो गंदी राजनीति हो रही है वो नहीं होना चाहिए। और अब देखना ये है कि आने वाले दिनों के अंदर यहाँ के जो MLA हैं और यहाँ के जो नगर सेवक है, खासकर सत्ताधारी पक्ष के NCP के, वो लोग ये जो पानी की समस्या उत्पन्न हुई है उसे कम करने में कितने सफल साबित होते हैं। ग्रेट इंडियन TV न्यूज़ की नज़र इस पर बराबर बनी रहेगी। मैं मोहिन शेख।